बोल रहा हूँ। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 2 का थर्ड, तो मींस थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है 0 एंड √5। ओके, तो यहाँ पे हम वापस वही जो लास्ट समय किया था वैसे ही कर रहे हैं। तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जीरोज इज इक्वल टू √5। ओके, तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोज इक्वल टू 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू √5। तो सम ऑफ जीरोज क्या है हमारा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। सेम वैसे ही अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा √5। अब अल्फा प्लस बीटा तो क्या है, माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। अब 0 के नीचे कुछ नहीं होता है तो उसका मीनिंग हम 1 रख सकते हैं, कॉमा। सेम थिंग अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए अब क्या है इज इक्वल टू √5। इसके कुछ भी इसके नीचे कुछ भी नहीं तो इसको 1 रख सकते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है, ए इज इक्वल टू 1 और ए इज इक्वल टू 1, यहाँ पे दोनों सेम ही है, ए का वैल्यू दोनों सेम है, तो यहाँ पे हम कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है या किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, ए इज इक्वल टू 1। अच्छा बी इज इक्वल टू क्या रखेंगे, बी का वैल्यू 0 मीन्स माइनस 0 कभी भी नहीं होता है, तो वो क्या होता है 0 ही होता है। ओके 0, और सी का वैल्यू क्या रखेंगे, सी इज इक्वल टू √5। तो ए बी एंड सी का वैल्यू मिल गया। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर देंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलीनोमियल क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म इज इक्वल टू क्या है, पी ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, तो इसको ए बी सी की जगह ये तीनों वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ए का वैल्यू 1 है 1x², बी का वैल्यू 0 है प्लस 0x प्लस सी का वैल्यू √5 है तो √5। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इसका कोफिशिएंट 1 है, पर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो हम ऐसे लिख देते हैं x². ओके, 1 × x² ही होने वाला है, इस वजह से 0 × x 0 ही होता है, तो मीन्स ये स्टेप हम लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसको निकाल देते हैं। उसके बाद क्या बचा, प्लस √5, तो प्लस √5। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। फोर्थ एग्जांपल देख रहे हैं, फोर्थ एग्जांपल है हमारा 1 1। ओके, तो 1 1 अगेन वही सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 1। ओके, सम ऑफ जीरो मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, खुद अपनी मन से लिख देता हूँ, तो मीन्स सी अपॉन ए इज इक्वल टू 1 है, तो इसके नीचे ऑलरेडी 1 होगा ही। ओके, तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू 1 हो रहा है, ए इज इक्वल टू 1 दोनों वैल्यू सेम हो रही है, तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू वन। फिर b वैल्यू क्या होगा, माइनस b इज इक्वल टू 1 है, तो अल्टीमेटली b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और c इज इक्वल टू b 1 हो जाएगा। ओके, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस b इज इक्वल टू 1 है तो माइनस 1 हो जाएगा और c इज इक्वल टू 1। ओके, अब क्या करेंगे, ए बी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे ए बी सी ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1x², फिर बी क्या है, माइनस है, ये याद रखना, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस हो जाएगा, माइनस 1 और ये हमारा एक्स। ओके, फिर प्लस सी इज इक्वल टू क्या है, 1 है, तो यहाँ पे कई बार क्या माइनस प्लस में गलती कर बैठते हैं, तो हमारा जो पोलिनो में जो आंसर आएगा वो गलत आ जाएगा, 1 × x² ही होता है, माइनस 1 × x क्या होता है, माइनस एक्स ही होता है, प्लस 1, तो x² माइनस एक्स प्लस 1 ये हमारा आंसर मिला। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।